नवादा से जनता अपने नेताजी से क्या जवाब मांग रही है वो आपको दिखाते हैं। हम बिहार के नवादा जिले में हैं और यह रजौली विधानसभा कहलाता है। अगर आप देखें तो जनता जनार्दन जिनके हाथों में वो ताकत है कि किसी को भी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचा सके, ये जनता है रजौली के, यानी नवादा जिले में ही आता है। और इधर आप जो देख रहे हैं ये लोग बीजेपी विचारधारा के लोग हैं और नेता भी हैं और यहां से बीजेपी का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और साथ में अगर इधर देखें आप तो नीतीश सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी के गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, जो लोग इस साइड हैं, जो अपनी बात को रखेंगे और दावा ठोकेंगे। और एक नेता हमारे साथ हैं जिसमें बिहार में संगठन बहुत पुरानी है, जिसको माना जाता है मार्क्सवादी। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और जनता से जवाब भी मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले सरकार बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है। पहले आप बीजेपी के साथ मिले, अब आप ऐसी पार्टी के साथ मिल गए जिस पार्टी को जंगल राज का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बिहार में इस बात को क्या आप नहीं मानते हैं कि 15 साल आरजेडी की सरकार ने बिहार को गर्त में डाल दिया? निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर पिछड़ापन हुआ था, लेकिन हम लोगों को अपने नेता और नेतृत्व पर विश्वास है। नीतीश कुमार के रहते हुए न कानून के राज के साथ समझौता होना है, न विकास के मापदंडों के साथ समझौता होना है। तो जब नेता नीतीश कुमार है, अब देखते होंगे कि मोदी जी के साथ कई ऐसे दल शामिल है, रामविलास जी का दल शामिल है। इंडिविजुअल अगर रामविलास जी को देखिएगा तो उनका इतिहास आपको ही मालूम है, लेकिन नेता के तौर पर देखा जाता है। नीतीश कुमार नेता है और ये गठबंधन निश्चित तौर पर बेहतरीन काम करेगी और इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाएगी, इस विश्वास के साथ बिहार की जनता वोट दे। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश कुमार और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी। पहले आप नीतीश जी के साथ थे, अब आप नहीं हैं। नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दे दिया है और पुनः नीतीश कुमार को बिहार की जनता नकारने जा रही है। वे आज हमारे ऊपर अराजकतावादी और सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। 17 वर्षों तक हम सांप्रदायिक नहीं थे। नीतीश जी स्वयं जंगल राज लालू जी के राज को कहा करते थे, आज उसी जंगल राज के नायक के साथ नीतीश जी साथ हुए हैं। जनता से सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार इस विधानसभा में किस किस तरह की समस्या है। यहाँ एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है, ठीक है। एक मथुरासनी कॉलेज जो रजौली में है वो भी यहाँ का मान लीजिए कि इंटर मैट्रिक पास किया 500 बच्चा, वहाँ एडमिशन लेना है मात्र 200 बच्चा, बाकी 300 बच्चा कहाँ जाएगा। यहाँ तो हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, आए दिन लोग मरते रहते हैं, जूझते रहते हैं। जब से ये सरकार है इतना बड़ा बिल्डिंग बना के रख दिया और डॉक्टर नहीं है, उसमें तो भूत बैठता है। शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ है? सर स्वास्थ्य के संबंध में भी हमारे मित्र ने जो कि आरोप लगा रहे थे सब भी कहा कि एक बड़ी बिल्डिंग बन के खड़ी है। तो इतना तो मानते हैं कि आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, लेकिन सर अगर सर डॉक्टर ही ना हो, बेड ही ना हो तो कैसे इलाज होगा? सर सुधार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग का ये दावा नहीं कि हम लोग बिहार में सब कुछ अच्छा कर दी, कमियां हैं इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन बहुत सकारात्मक गति से बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और विश्वास रखिए एक दिन में कुछ नहीं होता है। पर्याप्त स्कूल कॉलेज नहीं है, बच्चे बाहर जाते हैं। सर देखिए सर, इसमें ऐसा है ना कि हम कहाँ खड़े हैं ये जानने के लिए कहाँ से चले हैं ये जानना जरूरी है। नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी तो 13,000 विद्यालयों में ताले जड़े हुए थे, ये रिकॉर्ड है सर, ये हमारा कोई आरोप नहीं है। उस स्थिति में सबसे पहले विद्यालयों को चालू करना एक चुनौती थी और नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली की नियोजन की प्रणाली अपनाई जो कि पूरे देश में लागू है। रजौली पूर्वी पंचायत सरमसपुर से है, हम लोग का ट्रांसफार्मर आज एक महीना से जली हुई है, उसके बावजूद दो बार यहाँ कंप्लेन में दिए गए, पैसा वैसा भी लिए गए, लेकिन अभी तक हम लोग का ट्रांसफार्मर नहीं मरम्मत हुई। सर रजौली अनुमंडल बना हुआ इतना दिन हो गया, न आज तक यहाँ जेल बना, न कुछ बना, समझे ने कोई अनुमंडल की सुविधा नहीं है, समझे ने ये बात हम नेता से पूछना चाहते हैं। नेता से सवाल, सीधे सवाल आपसे कि अनुमंडल बनने के बाद भी वो सुख सुविधा नहीं जनता को, और साथ में बिजली का दावा करते हैं आप कि 20 से 22 घंटे बिजली बिहार में है, और ये भी बड़े बड़े होर्डिंग पे लगा रहे हैं बिहार में बाहर है, आखिर है कहाँ? सर बिहार में बिजली की स्थिति आज रजौली जैसे जगह पर 15 से 16 घंटे बिजली, आप किसी से पूछ लीजिए। लेकिन ये आप ही की जनता जो आरोप लगा रही है। ठीक है, सबको अधिकार है सर, सबका अपना राजनीतिक परिपेक्ष होता है, सबको अधिकार है, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ, आप सर्वे कर लीजिए। जहाँ रजौली में 2-4 घंटे बिजली नहीं रहती थी, आज 14-15-16 घंटे आप देख सकते हैं। आधारभूत संरचना बड़ा बड़ा पोल है, बिजली का तार है, काम हो रहा है। रजौली में 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगा है। एक मित्र अभी सड़क की स्थिति बता रहे थे, आप बताइए सर आज स्टेट हाईवे की स्थिति नेशनल हाईवे से बेहतर है। रजौली की जनता ने पिछले 6 साल से सांसद चुना है भाजपा का, विधायक पिछले 10 साल से चुना है भाजपा का, तो जब ग्रामीण सड़क भी नहीं बनाएंगे तो सिर्फ सत्ता सुख भोगेंगे क्या? ये सब राज्य सरकार करेगी भाई, विधायक और सांसद सत्ता सुख भोगेंगे। आरोप
सीधा आरोप बीजेपी पर। इसमें भी नीतीश जी की सरकार जो हमारे अलग होने के बाद से फेल्योर हुई है। 3 वर्षों में NH-31 को बनना था, लेकिन नीतीश जी आज तक जमीन एक्वायर करके ही नहीं दे पाए हैं। लेफ्ट पार्टी भी यहां पर अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और बताती है कि दोनों की लड़ाई में तीसरा फायदा ले जाएगा, ऐसा दावा है। आप बताइए कि आपका संगठन इतना मजबूत है कि आप बिहार में सरकार या फिर बिहार में जीत की बहार बहा सकते हैं? निश्चित रूप से आजादी के इतने साल के बाद भी जो भी राष्ट्रीय पूंजीवादी दल हुए, जो शासक वर्ग हुए, चुनाव के समय में मात्र हम गरीब जनता को चाहे रोड की सवाल हो, बिजली की सवाल पर झूठे नारे देते हैं, भसाते हैं। विकास होता है लेकिन उन चंद मुठी लोगों के लिए, अडानी को होते हैं, अंबानी को होते हैं, लेकिन इन्हीं चंद सवालों के लेकर तमाम वामपंथी पार्टी एक नारे के साथ, न नरेंद्र मोदी न नीतीश कुमार बिहार में चाहे वामपंथी सरकार की नारा के साथ एक साथ आए। ना नरेंद्र मोदी ना नीतीश कुमार बिहार में हो वामपंथी सरकार, अडानी अंबानी के लिए आप काम करते हैं, ऐसा आरोप वामपंथी लगा रही है। हमारा एकमात्र एजेंडा है क्षेत्र में शांति के साथ समरस समाज की स्थापना और उसके साथ साथ रजौली क्षेत्र का पूरा विकास, साथ ही साथ पूरे बिहार का विकास, ये हमारा प्रमुख एजेंडा है और इसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी। कौन फैला रहा है, आपने बोला शांति। निश्चित तौर पे नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। 15 वर्षों का शासन बिहार की जनता, रजौली की जनता देख चुकी है और एक बार बिहार पुनः रजौली की जनता उसको दोहराना नहीं चाहेगी। इसी बात इन्हीं बातों को हमको, पिछले बार तो आप भी सरकार में थे। निश्चित तौर पे उसमें बिहार की शुरुआत हुई थी 7.5 वर्षों के शासन में जब हम उनके साथ थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने दगाबाजी का काम किया, अवसरवादिता का काम किया। जैसे ही उनको 118 सीट मिला, उन्होंने सोचा उड़ीसा की तर्ज पर हम अपनी सरकार बना लेंगे और उन्होंने अवसरवादिता का परिचय देते हुए भाजपा को अपने गठबंधन से अलग किया। ये उनकी अवसरवादिता का परिचय। नीतीश कुमार अवसरवाद है सर। झारखंड में इनकी सरकार बनी थी जामुमो के साथ, वहाँ जामुमो से अलग हो गए। यूपी में बनी बसपा के साथ, वहाँ बसपा से अलग हो गए। उड़ीसा में बनी पटनायक साहब के साथ, वहाँ उनसे अलग हो गए। एकमात्र आदर्श पार्टी वादी पार्टी भाजपा है, बाकी सारी पार्टियाँ देशद्रोही है या फिर अवसरवादी है। बीजेपी की विधायिका और उसके नेतृत्व में रजौली विधानसभा विकास का रोना रो रहे हैं, अब भी आरोप लगा रहे जदयू। निश्चित तौर पे उसमें नाले की व्यवस्था हुई थी, नाले को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और परिणाम स्वरूप जहां सुविधा मिलनी चाहिए थी और वो सुविधा नहीं मिल रही है, वो कमी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं पर उस रोड की स्थिति आज के पूर्व देख सकते थे जनता कुछ दिन पहले, उस रोड को प्रयास करके यहाँ के माननीय विधायक ने उस रोड को चकाचक करने का प्रयास किया और ये हमारे लिए उपलब्धि है। आप लोगों ने भी सुना कि नवादा जिला के रजौली विधानसभा में लगातार जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन अब तक यही निकल कर आया है कि रजौली विधानसभा नवादा जिला में है, लेकिन अभी भी यहां सड़क, यातायात, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसका भी नाम ले ले, उसका अभाव है। और जैसे जैसे नेताओं ने दावे किए हैं, उम्मीद करते हैं कि जनता का समर्थन मिले और वो जीत कर आए तो अपने वादे पर टिके रहें। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ मैं अशोक राज, इस वक्त बिहार के रजौली विधानसभा से। बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी।